नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। पलवल के रहने वाले युवक गौरव मलिक की एक महीने पहले गुरुग्राम से गाड़ी सवार एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा अपहरण कर होटल में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पलवल पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों के अंदर पलवल पुलिस ने इस मामले से जुड़े हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पलवल SP कार्यालय के सामने धरना देंगे। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इस मामले की जानकारी देते हुए फरीदाबाद के गांव जवा निवासी सुनील मलिक ने बताया कि उसके बेटे गौरव मलिक ने गांव घोड़ी निवासी एक लड़की से शादी कर ली थी और उसके बाद दोनों पति पत्नी गुरुग्राम स्थित एक मकान में किराए पर रहने लगे। इसी रंजिश के चलते लड़की पक्ष के एक दर्जन से अधिक लोग कार में सवार होकर करीब 1 महीने पहले गुरुग्राम पहुंचे और वहां से उसके बेटे गौरव मलिक का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे पलवल के मिंडकोला गांव में ले जाकर जमकर पीटा। मनसा ग्रीन में भी ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद होडल स्थित एक होटल में बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर उसके मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपियों ने सबूतों को मिटाने के लिए पलवल के रसूलपुर रोड स्थित मोक्ष धाम में मृतक गौरव मलिक के शव का दह संस्कार भी कर दिया। उन्हें जब उनके बेटे गौरव मलिक के अपहरण होने के बारे में पता लगा तो उन्होंने इसकी लिखित में शिकायत पुलिस को दी, जिस शिकायत पर पलवल पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर कार्रवाई की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित पिता का आरोप है कि पलवल पुलिस आरोपियों से मिलीभगत कर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सुनिए मृतक के पिता सुनील मलिक ने इस बारे में क्या कुछ कहा। 27 तारीख को 27 6 को लड़का और लड़की दोनों गुड़गांव रह रहे थे, लग्जरी PG है सेक्टर 38 में। उसमें 30,000 महीना पे उन्होंने एक रूम रेंट पे लिया था और 27/6 को 3 गाड़ियों में भर करके 15 से 18 आदमी ये लोग गए हैं, जिसमें लड़की के पापा, लड़की के चाचा, लड़की उनके सारे के नाम मुझे पता है जी। हमने वहां से CCTV फुटेज निकलवाई है, मैं आपको नाम बाकायदा नाम बताता हूं आपको। उनमें है जी अपना राजू पुत्र हरी, रविंदर पुत्र हरी और चंद्रवीर पुत्र हरी। राजू की मौसी का लड़का है जो इसमें मेन ज्यादा रोल निभा रहा है, करम सिंह पुत्र नरवीर, जतिन पुत्र राजू, अज्जू व बिज्जू पुत्रान चंद्रवीर, रामजीत, सभी निवासीगण गांव घोड़ी जिला पलवल, मोहित, रोहित, भूपेश और बीरेश निवासी सदरपुर जो इनके मामा के लड़के हैं, तहसील पलवल, भूपेंद्र, जोगिंदर और ये अपना घनश्याम निवासी घारमपट्टी होडल से हैं। ये सभी लोग गुड़गांव गए हैं PG में और भी इनके साथ अन्य भी व्यक्ति हैं, क्योंकि ये 18 लगभग हमने देखे हैं उसमें CCTV फुटेज में 18 व्यक्ति हैं जो वहां पर गए हैं और इन सभी ने मिलकर के लड़के को वहां से अगवा किया है। अगवा करने के बाद इन्होंने, हमें तो बाद में पता चला इन सब चीजों की, हमें तो इस पूरे मामले की पता ही नहीं थी कि उन्होंने कब लड़के को अगवा किया है। ये फिर लड़के को यहां लेके गए हैं, मिंडकोला लेके गए हैं और इन्होंने मिंडकोला के अंदर ही हमारे बेटे गौरव के साथ ऑनर किलिंग का मामला आज तक हमने सुना भी नहीं है, इतनी हमारी उम्र हो गई और इस जिले में ऑनर किलिंग का पहला मामला है ये, जिन्होंने जितनी बुरी तरह से इन लोगों पे वारदात को अंजाम दिया गया है, इन लोगों ने गौरव के साथ में उतनी बर्बरता से वारदात करी। और फिर इन्होंने शाम को 9:30 बजे के आसपास वहां से लेकर के ये फिर होड़े गए हैं लड़के को लेकर के। होटल है कोई दिल्ली दरबार, एक होटल है वहां पर ये लड़के को लेके गए हैं। असली जान से लड़का इन्होंने होटल में मारा है। यहां से मिंडकोला से मनसा ग्रीन ले गए, मनसा ग्रीन से ये होटल लेके गए लड़के को। पुलिस ने हमसे कहा है कि हमने इसमें SIT बना दी है। SIT में इन्होंने कोई इंस्पेक्टर साहब हैं चंदन सिंह, इंस्पेक्टर मुंडकटी, इंस्पेक्टर CIA होडल है रविंद्र जी, इन्होंने 3-4 की एक SIT जो हमें बताई थी और इनके ऊपर DSP विशाल, जिनकी DSP के तौर पे ड्यूटी लगाई गई थी,
आज तक हमें कोई संतोषजनक इन्होंने इन लोगों ने उत्तर नहीं दिया है आज तक भी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें एक बार भी ये नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे के साथ ये हो गया है, लड़का लड़की वहां से उठा लिए हैं, लड़की वालों ने ये। आज तक भी पुलिस ने हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई संतोषजनक कि जिससे पुलिस की मिलीभगत का सबूत ना मिलता हो। इसमें सबसे बड़ा रोल CIO होडल का है और मैं तो कहूंगा DSP विशाल जी का है, क्योंकि ये अफसर अफसरान होते हुए भी हमें न्याय नहीं दिला रहे हैं, बल्कि उन लोगों को छुपाने के लिए जगह की जगह दे रहे हैं और उन लोगों के लिए ये हिफाजत के ठिकाने तलाश कर रहे हैं। कितने अरेस्ट कर लिए हैं तक इन्होंने आपको बता? हमारी नॉलेज में अभी इन्होंने 3 आदमी अरेस्ट करे हैं। आप बता रहे 17-18 लोग? हाँ, 3 उस दिन किए थे और एक इन्होंने बाद में किया है। चार भी कैसे करे हैं? एक तो लड़की का नाबालिग भाई है, ये भी एक बिल्कुल तरीकेबद्ध योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने पेश करे हैं। लड़की का नाबालिग भाई है एक, तो लड़की की मां है और एक है बच्चू सिंह, उसको ऑलरेडी पहले ही आजीवन कारावास की सजा बोली पड़ी है, वो तो पैरोल पे आया हुआ है। ये लोग इन्होंने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने पेश करे हैं, खुद ने, पुलिस ने नहीं उठाए, ये खुद ने पेश करे हैं इन लोगों ने। और एक लड़का इन्होंने सदरपुर का जरूर उसके बाद में अरेस्ट किया है, वरना पुलिस की आज तक इतने दिन हो गए, 27 से 27 होने वाली है, 1 महीना होने वाला है, इन लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। हमने बार बार SP साहब से प्रार्थना करी, SP साहब निहायत शरीफ और ईमानदार आदमी है, हम पे उनको हमें पूरा विश्वास है SP साहब पे, लेकिन जो ये नीचे वाले लोग हैं ये हमारे कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, हमें बुलाते नहीं कभी, हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं दे, जबकि हमारा बेटा इतनी बेरहमी से इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया ऑनर किलिंग के तहत, फिर भी हम लोगों को ये कोई जानकारी नहीं दे रहे, पुलिस का कहां का रवैया है? तो आप आगे क्या चाहते हो? हम इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहते हैं। संदीप फोगाट है CIA का, जिसपे ये इंचार्ज है CIO होडल का, वो लड़की वालों का रिश्तेदार है, इसमें पूरी पुलिस की मिलीभगत है, पूरी CIO होटल की मिलीभगत है। तो आपको लग रहा न्याय नहीं मिल पाएगा? हमें ये लग रहा है कि हमें इस तरीके से इस प्रशासन में और इस शासन में न्याय की उम्मीद करना हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं, गले नहीं उतर रहा है। तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? हमारा कदम ये रहेगा, हमारा पूरा गांव तैयार है, हम 2 दिन SP साहब के पास आ भी लिए, 400-400 आदमी, 300-300 आदमी हमारे गांव के पूरे आदमी आए थे, हमारे रिश्तेदारी के पूरे आदमी आए थे, और फिर आगे भी अगर इस घटना पे इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, हम इनको केवल 5 दिन का समय दे रहे हैं, हम यहाँ आत्मदाह करेंगे, हमारे घर वाले यहाँ आत्मदाह करेंगे, SP साहब के दफ्तर के सामने करेंगे, हमारा पूरा गांव धरने पर आएगा और जितने भी होगी उतनी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड को जाम करेंगे, फिर भी अगर कोई बात नहीं बनी तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।